Hello guys, so today in this video we'll review on HIT Haldia Institute of Technology. So introduction से start करेंगे, उसके बाद college का पूरा infrastructure देखेंगे, then college में क्या क्या affiliation है वो देखेंगे, college क्या क्या courses provide करता है, हर एक कोर्स में कितने branch और intake capacity है, admission eligibility criteria देखेंगे and most important college का fee structure and placement record कैसा है इस college का वो देखेंगे and last WBJE and JEE 2022 का cutoff देखेंगे. So video बहुत ही ज़्यादा important होगा, video last तक देखना. आप अगर इस college में admission लेने के लिए सोच थे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं. ओके, और अगर आप अदर्स कॉलेज को रिव्यू चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिस कमेंट में ज्यादा लाइक आएगा उस कॉलेज को मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सो HIT, दिस मींस हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल. इट इज द फर्स्ट प्राइवेट एंड एक्रेडिटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कैटरिंग टेक्निशियन एजुकेशन इन वेस्ट बंगाल, व्हिच इज लोकेटेड इन हल्दिया, पूर्व मेदिनीपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल. स्टार्टेड इन द ईयर 1996 एंड इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय मकाओ. तो ये कॉलेज तीन चीज में फेमस है, फर्स्ट इज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड. तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, एवरेज पैकेज आता है 10-15 लाख, हाईएस्ट गया है 40 लाख अबव गया है. सेकेंड इज का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नैक ए एफिलिएशन है, दैट्स व्हाई कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे राउंड फिगर सर्कल वे में है. और इस कॉलेज का जो फ्रंट व्यू है वो रात में और भी ज्यादा अच्छा लगता है जब लाइट पड़ता है. ठीक है, सो आप अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये रहा एडमिशन फॉर्म, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके फिलअप करो, आपको एज सून एज पॉसिबल कॉलेज से फोन किया जाएगा और जितना भी एडमिशन क्वेरी है आप पूछ सकते हो. ठीक है, एंड इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो. सो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देख लो, बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड नैक ए का एक्रेडिटेशन है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, लैब फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड थर्ड स्टूडेंट लाइफ आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, फैकल्टी भी बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होगा. ठीक है, इस कॉलेज में क्योंकि ये ऑटोनोमस कॉलेज है. ओके, सो इस कॉलेज में आपको टोटल 60 क्लासरूम, 12 ई क्लासरूम, 1,14,259 लाइब्रेरीज में बुक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, टोटल 112 लैब देखने को मिलेगा एंड टोटल 500 प्लस कंप्यूटर देखने को मिलेगा, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फील्ड देखने को मिलेगा एंड टोटल 11 बॉयज हॉस्टल एंड 3 गर्ल्स हॉस्टल. तो बॉयज हॉस्टल में 1679 सीट्स देखने को मिलेगा एंड गर्ल्स हॉस्टल में 571 सीट्स देखने को मिलेगा एंड बॉयज के लिए 4 एंड गर्ल्स के लिए 2 कॉमन रूम देखने को मिलेगा. सो ओवरऑल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. आप अगर ऊपर से देखते हो तो सर्कल वे में आपको देखने को मिलेगा पूरा कैंपस, सामने का जो फ्रंट व्यू है वो बहुत ही अच्छा है, रात में बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, आप अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो और एडमिशन फॉर्म जल्दी से फिलअप करो, क्योंकि सीट बहुत ही कम होता है इस कॉलेज में. ओके, बहुत जल्द फिलअप हो जाता है इसलिए. ठीक, सो भी आते एफिलिएशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय मकाउट मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, अप्रूव्ड बाय AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, रिकॉग्नाइज बाय UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड एक्रेडिटेशन बाय NAC, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल विद ग्रेड ए, CGPA 3.31 आउट ऑफ 4 और एक्रेडिटेशन बाय NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन. एंड इस कॉलेज में आपको NIRF रैंक भी देखने को मिलेगा, रैंक था 163 इन इंजीनियरिंग कैटेगरी, ये रहा सर्टिफिकेट. सो ये कॉलेज टोटल 4 कोर्सेज प्रोवाइड करता है, फर्स्ट है BTEC, सेकंड है MTEC, थर्ड है MBA एंड फोर्थ है MCA. ठीक है, सो अभी बात करते हैं एडमिशन एलिजिबिलिटी. तो आप अगर बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपके पास WBJE या JEE का वैलिड रैंक कार्ड होना चाहिए, और अगर आप बीटेक लेटर में एडमिशन लेते हो तो आपका डिप्लोमा AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए एंड उसके साथ आपको 2,40,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर एंड 1,80,000 स्कॉलरशिप मिलेगा फॉर बीटेक लैटरल. ठीक है, MTEC के लिए आपको गेट या पी गेट देना होगा और MCA के लिए JECA और MBA के लिए MAT या GMAT आप लोगों को देना होगा. ठीक है, सो भी देखते हैं बीटेक में क्या क्या ब्रांच आप लोगों को देखने को मिलेगा और हर एक ब्रांच में कितने इंटेक कैपेसिटी है. तो आप लोग जैसे टोटल 14 ब्रांच आप लोग देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें इंटेक कैपेसिटी 120, NBA भी है. तो जितने भी कोर्स आप लोग देख लो, फूड टेक्नोलॉजी तक NBA, सारे कोर्स में NBA है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, फैकल्टी है 14. CSE में 180 इंटेक कैपेसिटी है, 22 फैकल्टी है. अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में 16 इंटेक कैपेसिटी है, 12 फैकल्टी है. इसी में 180 इंटेक कैपेसिटी है, NBA भी है, 26 फैकल्टी है. मैकेनिकल में 122 फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 120 सीट है, 11 फैकल्टी है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 120 सीट है, 21 फैकल्टी है. बायोटेक्नोलॉजी में
16 टेक कैपेसिटी है, 10 फैकल्टी में है, सिविल में 120 टेक कैपेसिटी है, 7 फैकल्टी है, फूड टेक्नोलॉजी में 16 टेक कैपेसिटी है, 9 फैकल्टी है। देन सीएसई स्पेशलाइजेशन आप लोग देख सकते हो, साइबर सिक्योरिटी, एआई एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, जिसमें 16 टेक कैपेसिटी है, एनबीए नहीं है और टोटल 6 फैकल्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं एमटेक। तो एमटेक में आपको केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी और टोटल इनटेक कैपेसिटी है आपको 69 है केमिकल में, 12 है सीएससी ईसी में, 18 है मैकेनिकल में, बायोटेक्नोलॉजी में 9 है। ठीक है, अभी आते हैं एमबीए एमसीए। तो टोटल 66 करके इनटेक कैपेसिटी है एमबीए और एमसीए में। सो अभी बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो बीटेक फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन लेते हो तो आपको देना पड़ेगा 4,38,700 विदाउट हॉस्टल, और अगर हॉस्टल लेते हो तो 5,39,700 आपका टोटल 4 साल का पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन करना आपको 73,700 देना पड़ेगा और सेकंड सेमेस्टर 47 एंड सेकंड ईयर में आपको देना पड़ेगा 53,49, थर्ड ईयर में 55,51 एंड फोर्थ ईयर में 57,53। अभी आते हैं बीटेक लैटरल के लिए। तो विदाउट हॉस्टल आपको देना पड़ेगा 3,40,150, विथ हॉस्टल 4,70,150। ओके, एडमिशन टाइम देना पड़ेगा 75,150 और फिर फोर्थ सेम में 49, फिफ्थ सेम में 55, सिक्स सेम में 51, सेवन सेम में 57 और एट सेम में 53 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हॉस्टल लेते हो तो अलग से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर एमटेक ईसी सीएससी और बीटी में लेते हो तो आपको टोटल कोर्स फी हो जाएगा विदाउट हॉस्टल 2,26,000 और विथ हॉस्टल 2,55,000। ठीक है, और अगर आप मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो तो 1,58,000 आपको विदाउट हॉस्टल और विथ हॉस्टल 2,11,000 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं एमसीए। तो एमसीए में आप लोग देख सकते हो विदाउट हॉस्टल 2,27,000 देना पड़ेगा और विथ हॉस्टल 2,80,000 देना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम 70,000, सेकंड सेम में 51, थर्ड में 53 एंड फोर्थ में 51। ठीक है, ये गया एमसीए। अभी आते हैं एमबीए। तो एमबीए में आपको टोटल विदाउट हॉस्टल देना पड़ेगा 2,35,100 और विथ हॉस्टल आपको देना पड़ेगा 2,88,000। एडमिशन के टाइम 72,000, सेकंड सेम में 53, थर्ड सेम में 55 एंड फोर्थ सेम में 53 आपको देना पड़ेगा। सो अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लेसमेंट रिकॉर्ड। तो आप लोगों में इन डिटेल्स एकदम आपको प्रूफ के साथ प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखो। सो ये ना डब्ल्यूबीजे का एक छोटा सा रिकॉर्ड आप लोग देख सकते हो, 20 में 82% प्लेस हो गए थे। मैक्सिमम सिटी से था 40 LPA ब्लैक पैड एनम, एवरेज गया था 4.5, 19 में 89 स्टूडेंट प्लेस हो गया था, 24 LPA था मैक्सिमम और एवरेज था 3.6, 18 में 78, 9 LPA मैक्सिमम था एंड 3.5 एवरेज था। ठीक है, सो इसमें आप लोग देखो 17, 18, 18, 9, 19, 20 एंड 2021 सेशन में आप लोग देख सकते हो 8,300, 145, 151 कंपनीज विजिट किया था एंड इसमें से 78, 89, 82, 82% स्टूडेंट को प्लेसमेंट हो गया था। ठीक है, अभी बात करते हैं इन डिटेल्स में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि प्लेसमेंट कैसा होता है इस कॉलेज में। सो आप लोग देख सकते हो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का पूरा रिकॉर्ड। सो इसमें आप लोग देख सकते हो 2006 से 2020 तक पूरा कंपनीज का डिटेल्स। इसमें आपको स्टूडेंट का नेम, फोटो, कंपनी नेम, पेस पैकेज आपको देखने को मिलेगा। जिसमें आप देख सकते हो अमेज़न में 45 LPA गया था हाईएस्ट पैकेज, उसके बाद 23, 17, 11 LPA और ये रहा 2022 पास आउट बैच का। आप लोग देख सकते हो 14 LPA, 11, 9.5, 8.2, 8 LPA, 7, 6, 6 LPA। तो एवरेज ही 6 जाता है, एवरेज ही 6 जाता है। आप लोग देख सकते हो पूरा रिकॉर्ड 6, 5.5, 4.5, ओके, ये नीचे चला गया 4.3.5, ये 2.4 नीचे, एकदम नीचे। टोटल आप लोग देख सकते हो 1,248 स्टूडेंट्स प्लेस हो गया है ऑलरेडी 2022 बैच में। ठीक है, और ये ना कुछ कंपनीज आप लोग देख सकते हो, पूरा कंपनी कॉग्निजन जो भी कंपनीज आता है। सो ओवरऑल प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होता है। आप अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो, सब प्लेसमेंट रिकॉर्ड पूरा दिया गया है, कौन सा कंपनी किस किस ब्रांच में आता है वो भी दिया है। सो ओवरऑल मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, नैक एफिलिएशन है, एनबी है, एनआईआरएफ है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है, जस्ट थोड़ा आपको फीस ज्यादा देखने को मिलेगा इस कॉलेज में, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा देता है ये कॉलेज। 2022 बैच का इतना अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, 20 का भी हुआ है, 21 का भी हुआ है एंड 23 का भी हो रहा है अभी। ठीक है, प्रोसेस में है। सो बेझिझक आग बंद करके आप लोग जा सकते हैं। मैं आपको 100% सजेस्ट करूंगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय, टेक केयर।